Hello students, a very very good evening to all of you. Welcome to my channel. This is a very important class on Metaphysical Poets Part 4, and today we will talk about two important poems, Richard Crashaw and Henry Vaughan. But before starting, I want to give you a brief introduction about myself. My name is Rishti Mukherjee. I have qualified NTA UGC NET exam in English Literature 3 times and have also qualified West Bengal SET examination. I have 1 year of teaching experience. Moreover, I have also taught in NPTEL online course from IIT Madras 3 times. So that is all about myself. Good evening, Varsha. Good evening, Sushmita, Nazreen, Kavita. Good evening. Welcome. तो जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हो एक बार प्लीज लाइक एंड शेयर कर दो ताकि और भी स्टूडेंट ज्वाइन कर सके. एंड दिस इज द लिंक ऑफ माय टेलीग्राम चैनल. आई हैव आल्सो पोस्टेड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो जिन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया है जरूर ज्वाइन कर लो टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट क्लासेस. एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो दैट मेनी मोर न्यू लर्नर्स कैन ज्वाइन. गुड इवनिंग सुमन, वेलकम. एंड दीज आर द टाइमिंग्स ऑफ द क्लासेस. सो मंडे टू फ्राइडे आपके लिए क्लासेस मिल रहे हैं, सैटरडे संडे ऑफ. सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी लाइव. प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस. गुड इवनिंग पापड़ी, गुड इवनिंग अर्चना, वेलकम. अच्छा एक बार कंफर्म करो कि ऑडियो बिल्कुल क्लियर है. आई होप ऑडियो बिल्कुल क्लियर है एंड पीपीटी इज ऑल्सो विजिबल. एक बार कंफर्म कर दो अगर ऑडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो. देन वी विल स्टार्ट. गुड इवनिंग आयशा, वेलकम. गुड इवनिंग सुप्रियो, वेलकम. ओके सो आई होप दैट बिल्कुल क्लियर है. ओके अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आए तो बता. ठीक है, मैंने आज भी थोड़ा सा सेटिंग चेंज किया है तो आई होप सुबह से अभी बेहतर लगेगा. ओके गुड इवनिंग पूजा, वेलकम. ओके यस, तो चलो स्टार्ट करते हैं. आज हमारा टॉपिक है दोनों इंपॉर्टेंट मेटाफिजिकल पोएट, रिचर्ड क्रैशॉ एंड हेनरी वॉन. दो ये माइनर पोएट्स के लिस्ट में ही आते हैं. मेजर पोएट्स हमने डिस्कस किया जो वो थे मार्वेल एंड वी विल टॉक अबाउट जॉन डन. वो अभी नहीं हुआ है सो हम बात करेंगे डन के ऊपर भी. तो अभी आज के क्लास में हम इन दोनों पोएट को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट पोएट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज रिचर्ड क्रैशॉ. 1612 to 1649 is his timeline. Richard Crashaw. Okay, so first of all, we will look at his biographical details. Then we will move on to his works. Okay, so Richard Crashaw was born in 1612 in London, and he was also known as Second Herbert. This is important. हमने George Herbert को भी discuss किया. वो और एक important metaphysical poet थे. सो जॉर्ज हर्बर्ट का डिसाइपल माना जाता है दिस मैन को, रिचर्ड क्रैशॉ को, एंड इसलिए उनको सेकेंड हर्बर्ट कहा जाता है. ही वॉज ऑल्सो नोन एज सेकेंड हर्बर्ट. ओके, ही वॉज एजुकेटेड एट चार्टर हाउस स्कूल एंड पेम्ब्रोक कॉलेज कैम्ब्रिज. गुड इवनिंग चेरी, वेलकम. तो उन्होंने चार्टर हाउस स्कूल एंड पेम्ब्रोक कॉलेज में अपनी पढ़ाई की. सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि उनको सेकेंड हर्बर्ट कहा जाता है. और कभी कभी कुछ बुक में आपको आदर हर्बर्ट भी मिलेगा तो वही बात सेम ही है. सेकेंड हर्बर्ट और आदर हर्बर्ट कहा जाता है. ओके, सो ही वॉज ऑर्डेंड एज अ क्लर्जी मैन इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड. सो वो एक क्लर्जी मैन के तरह भी काम किए थे. एंड जैसे हमने बताया कि जॉर्ज हर्बर्ट हु वॉज ऑल्सो अ रिलीजियस मेटाफिजिकल पोएट, सिमिलरली रिचर्ड क्रैशॉ भी रिलीजियस पोएट थे. बट जॉर्ज हर्बर्ट ने कोई लव पोएम्स नहीं लिखा, रिचर्ड क्रैशॉ के बारे में ऐसा नहीं है. ही वॉज ऑल्सो ऑर्डेंड एज अ क्लर्जी मैन इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड ही रिवोल्टेड अगेंस्ट प्यूरिटनिज्म एंड कॉन्वर्टेड टू कैथोलिसिज्म. गुड इवनिंग ज्योति, वेलकम. अच्छा बैकस्लाइड कविता, बैकस्लाइड में कुछ नहीं था, बस उसके नाम था. रिचर्ड क्रैशॉ 1612 टू 1649. सेकेंड हर्बर्ट एक्चुअली सुमन वो भी रिलीजियस पोएट लिखते थे. जॉर्ज हर्बर्ट हमने डिस्कस किया
एंड रिचर्ड क्रैशो को जॉर्ज हार्बर्ट के डिसाइपल माना जाता था, तो वो मतलब एक्चुअली लिटरली वो डिसाइपल नहीं थे, बट ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड एंड उनके वर्क के साथ जॉर्ज हार्बर्ट को ही हम बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं, इसलिए उनको सेकेंड हार्बर्ट कहा जाता था। हाँ यही फर्स्ट स्लाइड है, यस यही फर्स्ट स्लाइड है चेरी। ओके सो यस स्टेप टू द टेम्पल कलेक्शन ऑफ रिलीजियस पोएम्स, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ओके सो रिवोल्टेड अगेंस्ट प्यूरिटनिज्म एंड ही वॉज कन्वर्टेड टू कैथोलिसिज्म, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स है उसके बारे में। एंड ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय इटालियन पोएट जिसका नाम था जियोवानी बैटिस्टा मरिनो, इटालियन पोएट जिससे वो बहुत इंस्पायर्ड थे। हार्बर्ट तो थे ही, उसके साथ एक इटालियन पोएट से भी वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे, जियोवानी बैटिस्टा मरिनो। अब आते हैं उनके वर्क्स में, ज्यादा वर्क्स नहीं है, कम ही है। सो ही रोट अ बुक ऑफ सेक्रेट एपिग्राम्स व्हेन ही वाज अ स्टूडेंट एट कैम्ब्रिज। तो ये जो बेसिकली बुक है इसको उन्होंने लैटिन में लिखा था, सो ओरिजिनल लैटिन टाइटल था एपिग्रामाटिकम सैक्रोरम लिबर, पब्लिश्ड इन 1634। तो यहाँ से मतलब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है अ बुक ऑफ सेक्रेट एपिग्राम्स, ठीक है। सो ओरिजिनली रिटन इन लैटिन एंड इट इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑल एपिग्राम्स रिटन ड्यूरिंग हिज स्टडी एट कैम्ब्रिज। अब आते हैं कि एपिग्राम क्या चीज है। तो एपिग्राम बेसिकली रेफर्स टू, अगर मतलब फिगर्स ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहो, सो एपिग्राम इज अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो कि बहुत ही एक कंडेंस्ड स्टेटमेंट है, जो बहुत ही शॉर्ट है, बट उसके अंदर कई सारे मीनिंग्स होते हैं एंड एक मतलब एक ही लाइन है लेकिन उसका मल्टी डायमेंशनल मीनिंग हो सकता है। एपिग्राम का और भी एक मीनिंग है कि इट इज टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर रिमार्क विच इज बेसिकली अम्यूजिंग, तो फन के लिए भी एपिग्राम यूज किए जाते हैं। एंड ऑल्सो इट रेफर्स टू अ शॉर्ट पोएम विच इज अ सटारिकल वन। तो कई सारी मीनिंग है एपिग्राम का, शॉर्ट सटारिकल पोएम हो सकता है या फिर कोई एक पर्टिकुलर रिमार्क हो सकते हैं जिसके अंदर एक अम्यूजिंग क्वालिटी हो, और हो सकता है कोई भी मीनिंगफुल स्टेटमेंट जो बहुत ही शॉर्ट है लेकिन उसके अंदर विट भी है, इंटेलेक्ट भी है एंड कई सारे मीनिंग्स छुपे हुए हैं। तो इस टाइप ऑफ सेंटेंस को कहा जाता है एपिग्राम। बेसिकली यहाँ पर एपिग्राम की जो बात हो रही है दैट रेफर्स टू द शॉर्ट सटारिकल पोएम्स, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट मतलब लेंथ में बहुत शॉर्ट होगा एंड उसके अंदर एक विट रहेगा, सो दैट काइंड ऑफ इज एन एपिग्राम, ठीक है। तो एक लाइन भी हो सकता है, एक पोएम भी हो सकता है, बट यहाँ पर जो एपिग्राम्स की बात हो रही है वो बेसिकली पोएम्स की ही बात हो रही है, आई थिंक। यस सो ये उन्होंने लिखा था व्हेन ही वाज स्टडीइंग एट कैम्ब्रिज, ठीक है। तो ये उनके अर्ली वर्क के ग्रुप में आते हैं। इसका ओरिजिनल लैटिन टाइटल था एपिग्रामाटिकम सैक्रोरम लिबर, पब्लिश्ड इन 1634। ओके यस सुमन, 350 सब्सक्राइबर्स हो गए, सो थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट। ओके नेक्स्ट हम आते हैं उसके इम्पोर्टेंट कलेक्शन में, दैट इज स्टेप्स टू द टेम्पल। तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि टेम्पल किसने लिखा एंड स्टेप्स टू द टेम्पल किसने लिखा। तो जरूर याद रखना कि स्टेप्स टू द टेम्पल दैट इज रिटन बाय रिचर्ड क्रैशो एंड द टेम्पल इज अ वर्क बाय जॉर्ज हार्बर्ट। Okay, so Steps to the Temple published in 1646, the title is an allusion to George Herbert's The Temple. So, यहां से basically आते हैं जो second Herbert का concept हमने बताया। तो Herbert का जो collection था हमने already George Herbert को पढ़ लिया है, तो उनका important collection था The Temple, collection of his religious poems and the title is an allusion to that, Steps to the Temple. तो देखो ये टाइटल से ही मतलब याद आता है, मतलब इस ये क्लियर हो जाते हैं कि वो उनको अपना गुरु मानते थे। सो स्टेप्स फॉलो करना, हम ये अक्सर कहते हैं कि वी नीड टू फॉलो द फुट स्टेप्स ऑफ आवर एल्डर्स और आवर टीचर्स। तो अपने टीचर्स और एल्डर्स की पग पर चलना ये हमारे जीवन का लक्ष्य होने चाहिए, हम अक्सर कहते हैं। तो यहाँ पर भी देखो स्टेप टू द टेम्पल विच मीन्स कि हर्बर्ट को अगर हम गुरु मान ले, मतलब अगर वो गुरु मानते हैं तो उसके पास पहुंचने का एक प्रयास, एक स्टेप, ठीक है। सो दैट इज हाउ ही हैज गिवन द टाइटल। गुड इवनिंग जशोदा, वेलकम। एंड द प्रीफेस टू दिस पोएम इंट्रोड्यूसेस द ऑथर एज, तो ये प्रीफेस में उन्होंने लिखा था, रिचर्ड क्रैशो ने अपना परिचय कैसे दिया, देखो हियर इज हर्बर्ट सेकेंड बट इक्वल।
he himself called him as second Harbert or other Harbert. तो उन्होंने ये लाइन लिखा था, here is Harbert's second but equal. हार्बर्ट का सेकंड है, मतलब सेकंड हार्बर्ट है, लेकिन वो हार्बर्ट के इक्वल ही है, ठीक है. सो दैट इज व्हाई ही हिमसेल्फ इज कंसीडरिंग हिमसेल्फ एज द काइंड ऑफ कार्बन कॉपी ऑफ जॉर्ज हार्बर्ट. इस टाइप ऑफ एक मीनिंग है. तो ये इंपॉर्टेंट है कि उसको इसलिए सेकंड हार्बर्ट कहा जाता है एंड ही हिमसेल्फ हैज एक्लेम्ड दिस थिंग इन द प्रीफेस. गुड इवनिंग राहुल, वेलकम. He also wrote some poems dedicated to Saint Teresa. Saint Teresa, okay, thank you so much. So he also wrote some poems dedicated to Saint Teresa or Teresa, जो भी कहो. तो उनके ऊपर उन्होंने कुछ poems लिखा था. Hymn to Saint Teresa, basically तीन important poems है. Hymn to Saint Teresa, an apology for foregoing him and flaming heart. So in detail में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप names याद रखो कि कौन कौन सा poem Richard Crashaw का है. Yes, good evening Zimi, I am fine, how are you? अच्छा ज्योति आप कैसे हो vaccine लेकर, मैं पूछना भूल गया. So how are you feeling now? Okay, so these are some of the poems dedicated to Saint Teresa. So basically हम religious poems की बात कर रहे हैं, and ये collection भी जो है वो भी religious collection ही है, and वहाँ पर उन्होंने ये सारे poems include किया है, ठीक है. So basically ये जो Saint Teresa वाला जो poem है ये भी उसके अंदर ही आते हैं, ठीक है. Now we move on to the next slide. Another collection of poems जिसका title था The Delight of the Muses, published in 1646. अच्छा, okay. So 1646, The Delight of the Muses, collection of poems. Now Richard Crashaw उतना celebrated metaphysical poets नहीं है. उनके poem के ऊपर कई सारे criticism आए थे, ठीक है. उनको ये भी कहा गया था कि the conceit which he was using that is not up to the mark to John Donne. जॉन डन ने जो कॉन्सेप्ट यूज किया, उन्होंने जिस तरीके से स्टार्ट किया मेटाफिजिकल पोएट्री को, रिचर्ड क्रैशॉ वो फुटस्टेप्स फॉलो नहीं कर पाए. तो इसलिए उनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि ही इज नॉट सो परफेक्ट एज मेटाफिजिकल पोएट. अलेक्जेंडर पोप क्रिटिसाइज्ड हिम एज वर्स्ट सॉर्ट ऑफ काउली, अब्राहम काउली. वो कह रहे हैं कि अब्राहम काउली का भी वर्स्ट वर्शन था रिचर्ड क्रैशॉ. क्या इस टाइप से वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं ये, अलेक्जेंडर पोप. Not so successful like other metaphysicals. Now Abraham Cowley wrote an elegy on the death of Crashaw. तो ये उनके title था elegy का, on the death of Mr. Crashaw. तो देखो ये एक बहुत important part है कि metaphysical poetry के group, metaphysical poets के group में जितने भी poets हैं, तो एक poet दूसरे poet की death के ऊपर elegy लिख रहा है, तो ये बहुत confusing हो जाते हैं कभी कभी कि कौन से poet किसके ऊपर elegy लिखा था, ठीक है. जैसे हमने बताया कि थॉमस कैरियो ने एक एलिजी लिखा था, हमने कल इवनिंग के क्लास में डिस्कस की थी, ऑन द डेथ ऑफ जॉन डन. सिमिलरली रिचर्ड क्रैशॉ के डेथ के ऊपर एलिजी लिखा था अब्राहम काउली ने, अनदर मेटाफिजिकल पोएट, ठीक है. सो ही रोट एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ क्रैशॉ जिसका टाइटल था ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर क्रैशॉ. ओके, सो यस, तो ये था इंपॉर्टेंट डिटेल्स. ओके, now we move on to our next writer, that is Henry Vaughan, 1621 to 1695. तो रिचर्ड क्रैशॉ में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है. डायरेक्टली हम हेनरी वॉन पे आते हैं, 1621 to 1695. ओके, सो अच्छा ऑडियो क्लियर है ना, एक बार बता दो ऑडियो क्लियर है. ओके ओके, क्लियर है, ठीक है. तो चलो हेनरी वॉन को हम स्टार्ट करते हैं. अच्छा ठीक है, तो विच मीन्स मैंने सेटिंग अच्छे से कर पाई हूँ. ओके, सो हेनरी वॉन 1621 टू 1695 इज द टाइमलाइन. तो हेनरी वॉन का एक पोएम शायद आपने पढ़ा है, द रिट्रीट. ये ज्यादातर सिलेबस में होता है ग्रेजुएशन में.
चलो देख लेते हैं उनके लाइफ के बारे में भी, ज्यादा नहीं है, कम ही है डिटेल. सो हेनरी वॉन वॉज बॉर्न ऑन 17 अप्रैल 1621 इन ब्रेक नॉक शायर. अच्छा ओके ओके. सो बॉर्न ऑन 17 अप्रैल 1621 इन ब्रेक नॉक शायर ही वॉज द एंग्लो वेल्स मेटाफिजिकल पोएट. एंग्लो वेल्स मेटाफिजिकल पोएट. तो यहाँ पर देखो ये एक इंपॉर्टेंट नेशनलिटी है कि अब तक हमने जितने भी मेटाफिजिकल पोएट की बात की वो सारे आते हैं ब्रिटेन, या तो लंदन में या फिर इंग्लैंड के कुछ जगह में उनके बर्थ है. ठीक है. सो ये जो मेटाफिजिकल पोएट है हेनरी वॉन, इसका बर्थ हुआ था वेल्स में. ठीक है. आप जानते हो कि इंग्लैंड, आयरलैंड एंड वेल्स मिलाकर बना है ग्रेट ब्रिटेन. राइट. ग्रेट ब्रिटेन बना है. तो वेल्स में उनके बर्थ है. राइट. बॉर्न ऑन 17 अप्रैल 1621 इन ब्रेक नॉक शायर, ये जगह है वेल्स में. राइट. तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. इस टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकता है कि विच मेटाफिजिकल पोएट बाय नेशनलिटी ही वाज अ वेल्स. तो याद रखना कि हेनरी वॉन एक मेटाफिजिकल पोएट के ग्रुप में एक पोएट है जिनका बर्थ वेल्स में हुआ था. सो ही वॉज एन एंग्लो वेल्स मेटाफिजिकल पोएट. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके. हाँ यस सुमंदर, दैट इज वाई मैं बार बार पूछ रही हूँ कि ऑडियो क्लियर है या नहीं. एक्चुअली इस क्लास में आने से पहले मैं यूट्यूब से देखकर सेट किया OBS को. सो आई होप सुबह की क्लास में आपने जो ऑडियो सुना था उसमें से अभी बेहतर है. ठीक है. अभी बेहतर है आई होप, बिकॉज जो मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही थी इस वीक के बिगिनिंग से, आई होप नाउ प्रॉब्लम कुछ फिक्स हुआ है. ओके. सो थैंक यू अगर ऑडियो क्लियर है. ओके. सो यस, एंग्लो वेल्स मेटाफिजिकल पोएट एंड ही वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय हर्बर्ट. सो जॉर्ज हर्बर्ट ने कई सारे राइटर को इंस्पायर किया है. दो जॉन डन को हम कहते हैं कि ही वॉज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, बट रिलीजियस पोएट्री की अगर बात करें तो उसमें जॉर्ज हर्बर्ट का नाम सबसे पहले आते हैं. दो जॉन डन ने भी रिलीजियस पोएम्स लिखा था. जॉर्ज हर्बर्ट का नाम आते हैं एज ए रिलीजियस मेटाफिजिकल पोएट एंड उसके बाद आते हैं रिचर्ड क्रैशो एंड हेनरी वॉन का नाम. अच्छा इट्स लाउड. ओके. तो इन्फ्लुएंस्ड बाय हर्बर्ट एंड ही वॉज ऑल्सो अ फिजिशियन. वो एक डॉक्टर भी थे. ठीक है. वो एक डॉक्टर भी थे. Now he was fought on the royalist side in the civil war. Dryden, Aisha Dryden का criticism part हमने किया है, मतलब essay of dramatic poesy. But Dryden as a poet अभी restoration age में मैंने नहीं गया. So criticism complete हुआ but not the whole author. ठीक है. So he was fought on the royalist side in the civil war. Again हम तो civil war period की ही बात कर रहे हैं. So कुछ royalist side में है, कुछ दूसरे side में है. So he was also a royalist and उन्होंने सिविल वॉर में फाइट भी किया था. सो ही वॉज ऑल्सो ए सोल्जर कम डॉक्टर कम पोएट. नाउ वर्ड्सवर्थ वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिम. दिस इज इम्पॉर्टेंट कि पहले बार हमने एक रोमांटिक पोएट का नाम सुना जो मेटाफिजिकल पोएट से इंस्पायर्ड थे. दैट इज वर्ड्सवर्थ. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, द फर्स्ट पर्सन टू यूज हाफ राइम. उन्होंने पहली बार हाफ राइम यूज किया था. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अब तक हमने वर्स पैटर्न के बारे में ज्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं देखा. ठीक है. जो कॉन्क्रीट पोएट्री और पैटर्न पोएट्री की हम बात करते हैं वो तो बस स्ट्रक्चरल एक चेंज था, एक्सपेरिमेंट था. मैंने आपको इमेज दिखा था जो जॉर्ज हर्बर्ट ने स्टार्ट किया. राइट. तो हाफ राइम दूसरी बात है, वो तो आते हैं राइम स्कीम के अंदर. तो पहली बार राइम स्कीम में चेंज किया है दिस मैन हेनरी वॉन ने. इससे पहले हाफ राइम किसी ने यूज नहीं किया इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप. तो हाफ राइम मैंने आपको प्रोसोडी के क्लास में बताया था. इसका कई सारे नाम है. नियर राइम कभी कभी कहा जाता है, कभी कभी स्लैंट राइम कहा जाता है, ऑब्लिक राइम कहा जाता है. बहुत सारे नेम्स हैं. ठीक है. तो बेसिकली हाफ राइम का मीनिंग क्या है कि इट इज अ राइमिंग बिटवीन टू लाइन्स, जिस लाइन में जो फाइनल कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं. ठीक है. फाइनल जो कॉन्सोनेंट साउंड है उसमें क्या है, दे आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर बट नियरली सिमिलर. तो एग्जैक्टली एकदम सेम, जिससे देखो मैच होता है बॉय और टॉय, वो वाला मैचिंग नहीं है जिसमें एग्जैक्ट मैचिंग होता है, एग्जैक्ट राइमिंग होता है. यहाँ पर हाफ राइम हो सकता है. ठीक है. जैसे देखो अगर मैं बात करूं पैराबल, एक लाइन में है पैराबल, दूसरे लाइन में मैं बात करूं शिल, तो पैराबल
शेल, देखो इल जो साउंड है, इल जो साउंड है ये एंड में है, पैरा विल और शेल, लेकिन ये एग्जैक्ट राइमिंग नहीं है, बस लास्ट में जो कॉन्सोनेंट साउंड है वो थोड़ा सा राइम कर रहा है, सो दैट इज हाफ राइम और नियर राइम। तो ये पहली बार यूज किया था मेटाफिजिकल पोएट्री में हेनरी वॉन ने, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपका क्वेश्चन में आ सकता है। यस, प्लैंड राइम, नियर राइम और भी कई सारे नेम है, लेजी राइम भी शायद कहता है, ठीक है। एक बार प्रोसोडी के वो क्लास देख लेना, मैंने इन डिटेल सारी वर्ड्स फॉर्म वहां पर एक्सप्लेन किया था। तो इस टाइप का जो साउंड मैचिंग है, देखो लास्ट में बस कॉन्सोनेंट साउंड राइम कर रहे हैं, बट दैट इज ऑल्सो नॉट एग्जैक्टली बट नियरली सिमिलर, तो इसलिए इसको हाफ राइम कहा जाता है कि कंप्लीट राइम नहीं है, इट्स अ हाफ राइम और स्लैंट राइम और नियर राइम और ऑब्लिक राइम। तो ये पहली बार यूज किया था मेटाफिजिकल पोएट्री में हेनरी वॉन ने, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं उनके वर्क्स। सो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है उनका। फर्स्ट वर्क इज द टेंथ सेटायर ऑफ जुवेनाइल इंग्लिश, पब्लिश्ड इन 1646। अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि टेंथ सेटायर ऑफ जुवेनाइल से इंस्पायर्ड है, हमने देखा था सैमुअल जॉनसन का द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस, राइट। तो वहां पर हमने देखा टेंथ सेटायर ऑफ जुवेनाइल का नाम आते हैं, तो यहाँ पर देखो उन्होंने टाइटल थोड़ा सा चेंज कर दिया, द टेंथ सेटायर ऑफ जुवेनाइल इंग्लिश, मतलब इसका इंग्लिश वर्शन वो लिख रहा है, पब्लिश्ड इन 1646 व्हिच वाज हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री, ठीक है। तो बस नेम इंपॉर्टेंट है बिकॉज टाइटल इज वेरी इंटरेस्टिंग, द टेंथ सेटायर ऑफ जुवेनाइल इंग्लिश पब्लिश्ड इन 1646। नाउ इस कलेक्शन के अंदर एक पोएम है पब्लिश्ड इन द फर्स्ट वॉल्यूम जो कि आते हैं अपोन द प्रायोरी ग्रोव। अपोन द प्रायोरी ग्रोव दिस इज अ पोएम इंक्लूडेड इन द कलेक्शन, एंड इस पोएम का खासियत क्या है कि इट वॉज टॉकिंग अबाउट हिज कोर्टशिप विथ हिज फर्स्ट वाइफ कैथरीन वाइज। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि उन्होंने दिस इज काइंड ऑफ अ लव पोएम अपोन द प्रायोरी ग्रोव। जुवेनाइल टर्म नहीं है सुमन, जुवेनाइल पोएट का नाम है, ठीक है, वो एक पोएट का नाम है। सो टेंथ सेटायर ऑफ जुवेनाइल, तो उसका इंग्लिश वर्शन इस टाइप से उन्होंने टाइटल दिया, द टेंथ सेटायर ऑफ जुवेनाइल इंग्लिश। जुवेनाइल इज द नेम ऑफ अ पोएट, ओके, यस। सो अपॉन द प्रायोरी ग्रोव ये जो पोएम है दैट इज टॉकिंग अबाउट हिज कोर्टशिप विथ हिज फर्स्ट वाइफ कैथरीन वाइज, सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इट वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस वॉल्यूम, द फर्स्ट वॉल्यूम, ठीक है। अब बात आती है उनके दोनों प्रोज वर्क्स लिखा है, रिलीजियस प्रोज वर्क। फर्स्ट वन इज माउंट ऑफ ऑलिव्स, देन आते हैं सॉलिटरी डिवोशंस, बट बोथ वर्क्स वर पब्लिश्ड इन द सेम ईयर 1652, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। 1652 में दोनों ही वर्क्स पब्लिश हुआ है, माउंट ऑफ ऑलिव्स एंड सॉलिटरी डिवोशन, ठीक है। तो टू प्रोज वर्क्स रिटन एज ए कंपेनियन पीस टू द बुक ऑफ कॉमन प्रेयर्स, बाइबल में होता है बुक ऑफ कॉमन प्रेयर्स सब जानते हो, सो इट इज रिटन एज ए काइंड ऑफ सीक्वल टू दैट, ठीक है, एज ए काइंड ऑफ कंपेनियन पीस, कंपेनियन पीस मतलब सीक्वल ही है एक्चुअली। तो इस टाइप से इसको लिखा गया, दोनों प्रोज वर्क, दोनों अलग अलग प्रोज वर्क है, बट दोज वर पब्लिश टूगेदर ऑन ए सिंगल ईयर, इन द सिंगल ईयर 1652। सो माउंट ऑफ ऑलिव्स एंड सॉलिटरी डिवोशन, तो ये तो हुई प्रोज वर्क की बात। Now we move on to उनके दोनों important poem की हम बात करेंगे। First one is Silent Scintillants, ये बहुत important एक collection है, Silent Scintillants published in 1650, ठीक है, Silent Scintillants। तो इसमें क्या है, it is talking about, it is also a collection and नाम से ही पता चल रहा है कि it's a Latin name। अब इसका English name बहुत ही सुंदर है, हम English title देखते हैं, English name is The Flashing Flint। इंग्लिश टाइटल, द टाइटल इन इंग्लिश मीन्स द फ्लैशिंग फ्लिंट, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, इट रेफर्स टू, ये जो टाइटल है साइलेंस स्किंटिलेंस, हाँ कभी कभी फायरी फ्लिंट भी कहा जाता है, यस। तो ट्रांसलेशन डिफरेंट हो सकता है, फ्लैशिंग फायरी, बट बात सेम ही है। तो फ्लैशिंग फ्लिंट ये जो टाइटल है, अब इस टाइप का टाइटल क्यों है, तो बेसिकली द फ्लैशिंग और द फायरी पोर्शन, इट एक्चुअली रेफर्स टू हिज ओन स्टोनी हार्ट इन विच डिवाइन ब्लेसिंग्स स्ट्राइक्स फायर। इस टाइप से उन्होंने कंपेयर की है कि उसके अपने हार्ट को उन्होंने कहा है एज ए स्टोनी हार्ट
तो जैसे हमने देखा था कि स्टोनी मतलब पिछले जॉर्ज हर्बर्ट की पोएम्स में हमने देखा कि हाउ लव हैज अ वेरी पावरफुल थिंग. सो लव हैज द पावर ऑफ मेकिंग स्टोनी हार्ट्स ब्लीड, इस टाइप ऑफ एक लाइन था. तो यहाँ पर भी स्टोनी हार्ट के बारे में वो बात कर रहे हैं, एंड दैट पर्टिकुलर स्टोनी हार्ट विच मीन्स वेरी हार्ड हार्टेड जिसको हम कहते हैं, तो उस हार्ट में अगर डिवाइन ब्लेसिंग आ जाए तो वो एक फायर की तरह एक इल्यूमिनेशन क्रिएट करता है. सो इट्स अ काइंड ऑफ इमेजिनरी थिंग. वो एक्चुअली कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके हार्ट में कुछ इमोशंस है ही नहीं, वेरी स्टोन हार्टेड, हार्ड हार्टेड हम जिसको कहते हैं, उसके अंदर भी अगर डिवाइन ब्लेसिंग आ जाए तो वो भी एक फ्लैश की तरह, एक इल्यूमिनेशन की तरह उसके माइंड को जगा सकते हैं एंड उसको चेंज कर सकते हैं, लाइक ए ब्राइट लाइट. सो दैट इज वाई द टाइटल मीन्स फ्लैशिंग फ्लिंट और द फायरी फ्लिंट. तो यहाँ पर फायरी और फ्लैशिंग नॉट इन अ नेगेटिव सेंस बट इन ए पॉजिटिव सेंस, कि किसी के अंदर मतलब एक इल्यूमिनेशन जगाना, इल्यूमिनेशन ऑफ लव, और जो भी उसके अंदर जो क्रुएल्टी का हो या फिर जो भी उनके इमोशनलेस काइंड ऑफ जो फीलिंग है, बहुत रिजिडिटी है हार्ट में, उसको डाइल्यूट कर देता है एक ऐसे पावर है डिवाइन ब्लेसिंग का. सो द पोएट इज टॉकिंग अबाउट दैट. Now the preface to this collection talks about how his early love poems were not up to the mark. Henry Vaughan ने love poems पे लिखा था, but he is acknowledging his mistake कि my love poems are not up to the mark, and he gradually feels that he is lacking something inside his mind. That was his spiritual awareness. So ये kind of, हाँ ये बहुत अच्छा term है, spiritual awareness. सो दिस काइंड ऑफ फायर फ्लैशिंग जो भी कहो, ये एक अवेयरनेस की बात करते हैं, ठीक है. जो अवेयरनेस उसके अंदर से मिसिंग हो गया था, वो अवेयरनेस वापस लौटा दिया किसी ने, मतलब डिवाइन ब्लेसिंग ने. सो दैट काइंड ऑफ एन इमेजरी इज देयर. सो ही टॉक्स अबाउट हाउ हिज अर्ली लव पोएम्स वर नॉट अप टू द मार्क एंड ही वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाई हर्बर्ट. एंड ये फ्लैशिंग फ्लिंट जगाया किसने? जगाया हर्बर्ट ने. हर्बर्ट के रिलीजियस पोएम्स पढ़कर उनके अंदर ये जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस है वो फिर से वापस आ गया. सो इंस्पिरेशन फ्रॉम हर्बर्ट हैज चेंज्ड हिज लाइफ, ही हैज एक्नॉलेज्ड. तो यहाँ पर भी देखो, हर्बर्ट का इंस्पिरेशन हेनरी वॉन भी एक्नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है. सो ही वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय हर्बर्ट एंड दैट एक्चुअली चेंजेस हिज स्टोनी हार्ट टू सम इल्यूमिनेशन, टू सम स्पिरिचुअल अवेयरनेस. He came to religion due to personal sorrows. And यहाँ पर उन्होंने एक और पर्सन की इन्फ्लुएंस बताई जिसका नाम था थॉमस वॉन, उनके ब्रादर, ठीक है, उनके ब्रादर. तो ये भी उनको बहुत इंस्पायर किया, थॉमस वॉन ने. हाँ, थॉमस वॉन ने भी उनको इंस्पायर किया. ही वॉज ऑल्सो ए वेरी मिस्टिक मैन इन दैट सेंस. तो उनके मिस्टिसिज्म, हिज आइडियोलॉजीज टूवर्ड्स रिलीजियन, अपने भाई के आइडियोलॉजीज से भी वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे. एंड आफ्टर सिविल वॉर उनके अंदर जो मतलब एक आप कह सकते हो कि ट्यूमल्टस सिचुएशन क्रिएट हुआ कुछ पर्सनल सोरोस के कारण, वो रिलीजियन में आ गए. एंड उनको ये लगने लगा कि इससे पहले मैंने जो भी लिखा द अर्ली लव पोएम्स, दे आर नथिंग, दे आर जस्ट वेस्ट, एंड मुझे उससे बेहतर कुछ करना चाहिए था बिकॉज आई हैव मिस्ड द स्पिरिचुअल अवेयरनेस. ये होना बहुत जरूरी था बट ये नहीं था. सो जॉर्ज हर्बर्ट एंड उसके साथ उसके अपना भाई, दोनों का इन्फ्लुएंस मिलाकर उनको एक रिलीजियस पर्सन बना दिया. सो दैट इज लाइक अ फ्लैशिंग फ्लिंट, उनके अंदर एक इल्यूमिनेशन आ गया, ठीक है. तो हम ये अक्सर कहते हैं कि दिमाग की बत्ती जलाना, सो दैट काइंड ऑफ फीलिंग. दिमाग की बत्ती जलाना मतलब अचानक कुछ आइडिया आपके दिमाग में फ्लैश हो गया, बहुत अच्छे आइडिया है, राइट. सो दैट इज ऑल्सो हियर कि उनके अंदर जो डिप्रेशन, सप्रेशन, जो क्रुएल्टी था, तो वो अचानक चला गया विद एन इल्यूमिनेशन. वो इल्यूमिनेशन कहाँ से आया? फ्रॉम डिवाइन ब्लेसिंग. तो उनके हार्ट में स्पिरिचुअल अवेयरनेस आ गया एंड ही हैज रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड ही इज ट्राइंग टू डेवलप हिमसेल्फ. तो पूरे के पूरे कलेक्शन में ये आप कह सकते हो एक टाइप ऑफ कॉन्फेशन भी है अपने गलती का और अपने इन्फ्लुएंस का. तो पार्टली ऑटोबायोग्राफिकल इन दैट सेंस, बट तो ये ऑटोबायोग्राफिकल लिस्ट में नहीं आते हैं, बट स्टिल अगर आप सब्जेक्ट मैटर देखो तो थोड़ा सा पर्सनल जा रहे हैं. तो दिस इज ऑफ हिज कलेक्शन साइलेंट स्किंटिलेंस एंड इंग्लिश टाइटल है द फ्लैशिंग फ्लिंट. तो ये हो गया फर्स्ट कलेक्शन की बात. नाउ आई मूव ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोएम जो मैंने बताई थी कि ये हर सिलेबस में होता है.
Yes, right, Suman. Stony heart converted into spiritual heart. Very good. So that transformation, उसके बारे में ही basically ये collection है. Okay. Next we will talk about the retreat published in 1650. This is an individual poem. वो collection था and ये poem है. ठीक है? तो ये बहुत ही एक मतलब थोड़ा सा unusual poem है. He is basically talking about his childhood days. So retreat ये आप ये term आप जानते हो. Retreat basically a battle term. ये नॉट बैटल टर्म एग्जैक्टली, इट इज अ मिलिटरी टर्म. ठीक है, तो एनिमी फोर्स के लिए या फिर आर्मी में इस ये टर्म बहुत यूज होता है, रिट्रीट. यस यस, रिट्रीट. तो रिट्रीट का मतलब क्या है? पीछे जाना. ठीक है, सोल्जर्स आर रिट्रीटिंग, मतलब वो पीछे जा रहे हैं. तो सामने वाले सामने जाकर वो फाइट नहीं कर रहे, वो बैटल फील्ड से पीछे जा रहे. सो दैट इज नोन एज रिट्रीट. ये एक मिलिटरी टर्म है, तो ये आर्मी ट्रेनिंग में ज्यादा यूज होता है. बट यहाँ पर रिट्रीट वो आर्मी वाला नहीं है, एंड आप जानते हो कि वो खुद एक सोल्जर थे, इसलिए उसको मिलिट्री टर्म पता ही था. बट ये जो रिट्रीट की वो बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट दैट मिलिट्री रिट्रीट. आर्मी में जो होता है, वॉर में जो होता है, ही इज टॉकिंग अबाउट रिट्रीट टुवर्ड्स हिज चाइल्डहुड. तो देखो समरी क्या है, इट वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर कलेक्शन, जो फर्स्ट कलेक्शन हमने बताया. वेरी गुड शुक्रिया. पश्चात धापुम, दैट इज द एग्जैक्ट बेंगोली. यस राइट. तो इंक्लूडेड इन साइलेंट स्किंटिलम, तो ये कलेक्शन के अंदर ही ये पोएम है द रिट्रीट. एंड इट वॉज इंस्पायर्ड बाई सॉरी इट इंस्पायर्ड वर्ड्सवर्थ इमोर्टैलिटी ओडियस. यू हैव राइटली सेड कि ऑफन कंपेयर्ड, एंड ये माना जाता है कि वर्ड्सवर्थ का जो इमोर्टैलिटी ओड है, बड़ा लंबा टाइटल है, ओड ऑन द इमिटेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी, शॉर्ट में हम कहते हैं इमोर्टैलिटी ओड. तो उसको इंस्पायर किया था, वर्ड्सवर्थ ने इंस्पायर्ड हुआ था फ्रॉम हिज दिस पोएम. इट्स अ वेरी लॉन्ग स्पिरिचुअल पोएम. बट देखो यहाँ पर चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं. द स्पीकर वांट्स टू गो बैक टू हिज चाइल्डहुड, एंड ओपनिंग लाइन्स कुछ ऐसा था कि हैप्पी वर दोज डेज ऑफ एंजल इन्फेंसी. ये एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है जो उन्होंने यूज किया, एंजल इन्फेंसी. ठीक है, सो इन्फेंसी, एंड देखो ये हम अक्सर कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं, सो चिल्ड्रन आर क्लोजर टू गॉड. ये हम अक्सर कहते हैं कि बच्चे भगवान के बड़े क्लोज होते हैं, एंड बच्चे के अंदर भगवान का निवास होता है. ये हम अक्सर कहते हैं. ठीक है, दैट इज वाई चिल्ड्रन आर सो इनोसेंट, चिल्ड्रन आर सो प्योर. तो बच्चे के अंदर भगवान होता है, ये बहुत एक कॉमन फ्रेज है जो आई थिंक हर रिलीजियन में ये यूज होता है. राइट, तो यहां पर भी देखो उन्होंने कहा है एंजल इन्फेंसी. सो इन्फेंट कंडीशन, द चाइल्डहुड कंडीशन, दैट वाज लाइक एन एंजल. उसके अंदर कुछ डिवाइन चीज होता है, डिवाइन इंस्पिरेशन होता है, एंड मतलब चाइल्डहुड एक ऐसा टाइम है जिसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता, प्योर इनोसेंस, प्योरिटी ऑफ हार्ट, प्योरिटी ऑफ माइंड. तो वहां पर ईश्वर रहता है, इसलिए देखो एंजल इन्फेंसी को कह रहे हैं. Yes, so that kind of feeling, angel infancy, he is referring to his childhood. तो ये phrase आ सकता है question में कि which particular metaphysical poet has compared his own childhood with angel infancy. तो ये याद रखना, ये phrase Henry Vaughan का है. But he had to stay far away from home at that time and experienced the dark forces of the world. ठीक है, सो चाइल्डहुड क्या कहते हैं एक्चुअली सुमन, सुप्रियो ने जो बंगाली वर्ड यूज किया वो बहुत ही अच्छे बंगाली वर्ड है, तो जिसको हम बंगाली में साधु भाषा कहते हैं. सो दिस साधु भाषा इज वेरी डिफिकल्ट, तो वो नॉर्मल नहीं होता है. ठीक है, तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होता है, एंड दिस वर्ड पश्चात धावन इज ऑल्सो काइंड ऑफ दैट वर्ड. ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सो ही हैड टू स्टे फार अवे फ्रॉम होम. अब देखो वो अपने एक ट्रेजेडी की बात कर रहा है, ये उसके लाइफ का एक नॉट ट्रेजेडी एग्जैक्टली, अनफॉर्चुनेट कह सकते हो, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ही कुड नॉट एंजॉय हिज चाइल्डहुड. ठीक है, चाइल्डहुड किसका टाइम होता है, जो देखो चिमनी स्वीपर में हमने देखा कि द चाइल्ड इज लैमेंटिंग कि आई हैव टू डू वर्क इन दैट पर्टिकुलर चिमनी, but actually it is the time of my playing. I want to play among amidst nature, I want to play with my friends, I want to go to school, but meri mummy papa ko ye laga ki it is better to put me in such a dangerous job, to unhone mujhe job mein dal diya. Is type of ek line tha in the experience poem, right?
तो यहाँ पर भी देखो वही बात वो कह रहे हैं कि उनको भी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम के कारण वो अपने चाइल्डहुड को एंजॉय नहीं कर पाए एंड ही हैड टू स्टे फार अवे फ्रॉम होम, उसको घर से बाहर रहना पड़ा एंड ही एक्सपीरियंस द डार्क फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड। तो बचपन से ही उनको वर्ल्ड के जितने भी कॉम्प्लेक्स इवन फोर्सेस है उसके साथ इंटरैक्ट करना पड़ा, जो बहुत बाद में हम लाइफ में सीखते हैं एक्सपीरियंस के थ्रू, बट बच्चों को हम इससे दूर रखने की कोशिश करते हैं। राइट, एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज इविल फोर्सेस से वी ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट अवर चिल्ड्रन। बट द पोएट इज सेइंग कि आई एम सो अनफॉर्चुनेट बिकॉज आई कुड नॉट एंजॉय माई चाइल्डहुड एंड आई हैड टू गो अवे फ्रॉम होम टू डू सम काइंड ऑफ टास्क। यहाँ पर वो मेंशन नहीं है एंड आई हैव टू एक्सपीरियंस द डार्क फोर्सेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं। एट प्रेजेंट ही इज कंसर्न ऑफ हिज पेनफुल नेचर। ये तो वो रिट्रीट कर रहे हैं चाइल्डहुड में, बट अब वो क्या कर रहे हैं, ही इज कंसर्न ऑफ हिज सिंपल नेचर। वो देख रहे हैं कि चाइल्डहुड में जो चाइल्डहुड में जो इनोसेंस था, इन्फेंसी में जो एंजल लाइक एक ब्लेसिंग था, वो ग्रेजुअली हम जितने बड़े हो रहे हैं वो डिसअपियर हो रहा है। तो ये देखो अक्सर होता है, हम ये कहते हैं कि शिशु सुलभ सरलता, दैट काइंड ऑफ फीलिंग, कि चाइल्ड लाइक इनोसेंस। ठीक है, सो दैट चाइल्ड लाइक इनोसेंस इज ऑफन वैनिश्ड और रादर इज वैनिश्ड व्हेन वी बिकम एन एडल्ट। तो एडल्ट होने का मतलब मैच्योर होने का ये एक रास्ता है कि हमको कई सारे कॉम्प्लेक्सिटीज के थ्रू जाना पड़ता है एंड लाइफ में हम जितने एक्सपीरियंस गेन करते हैं उतना जो इनोसेंस पोर्शन है वो चले जाते हैं एंड वी लर्न टू बिकम अ काइंड ऑफ रफ एंड टफ पर्सन। एंड हमको हम सभी कुछ सीखते हैं, हम हिपोक्रिट कभी कभी होना पड़ता है, कभी कभी किसी को फॉल्स कहना पड़ता है, ठीक है, कभी कभी किसी को चीट करना होता है, ठीक है, हम चीट करते हैं, रादर नहीं चाहते हैं लेकिन हम करते हैं। और ये जो दोनों टाइप ऑफ हम कहते हैं कि अंदर कुछ और है और बाहर आपको कुछ और शो करना होता है, तो ये भी होता है, इस टाइप ऑफ हिपोक्रिटिकल एटीट्यूड, दो इट इज नॉट गुड, बट कभी कभी हमको एडॉप्ट करना होता है। ठीक है, सपोज एक पर्सन के ऊपर आपका बहुत गुस्सा है लेकिन वो पर्सन आपसे सीनियर है तो आप उससे कुछ कह नहीं सकते, तो ये अगर एक चाइल्ड होता तो वो कह देता, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने एंगर को कंट्रोल करते हैं कि नहीं अभी ये बात नहीं कहना चाहिए, दिस इज अ फॉर्मल सेटअप, तो मुझे उसके साथ अच्छे बिहेव ही करना है, दो आई एम नॉट लाइक हिम और हर सो मच। ठीक है, तो इस टाइप ऑफ जो ये देखो हम नॉर्मली सीख जाते हैं कि किसके साथ किस तरीके से बिहेव करना है। अगर आप एक बच्चे को देखो तो वो सबके साथ एक ही बिहेव करता है, लेकिन हम ये सीख जाते हैं कि इसके साथ ये करना है, दिस पर्सन, ये पर्सन से दूर रहना है, ही इज वेरी बैड मैन और बैड वुमन, तो उससे दूर रहना है, ही वॉन्ट्स टू हैरेस मी, तो उससे दूर रहना है। तो ये जो भी हम एक्सपीरियंस के थ्रू गेन करते हैं, राइट, सो हेनरी वॉन इज थिंकिंग दैट व्हाट आई एम एट द प्रेजेंट मोमेंट, आई एम वेरी सिंपल मैन, मेरे अंदर कितने सारे कॉम्प्लेक्सिटीज है, वी ह्यूमन बींग्स वी आर नॉट टोटली परफेक्ट। ठीक है, कंप्लीटली ऑनेस्ट रहना या फिर कंप्लीटली परफेक्ट मैन बनना इस दुनिया में बहुत मुश्किल है, तो हम सबके अंदर कुछ नेगेटिव क्वालिटीज भी हैं, किसके अंदर वो ज्यादा है किसके अंदर कम है, जो उनको सप्रेस करके रखना जानते हैं उसको हम कहते हैं कि ही इज अ वेरी गुड मैन और शी इज अ वेरी गुड वुमन। राइट, तो वो ये बात सोच रहे हैं अभी हेनरी फोन कि चाइल्डहुड में मैं जो था और आज मैं जो हूँ, आई एम गेटिंग मच सिंपल, मुझे कई सारे ट्रिक्स सीखना पड़ रहा है, कभी कभी झूठ बोलना पड़ रहा है, कभी कभी कुछ गलत काम करना पड़ रहा है जो मेरे अंदर मतलब अंदर से सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सिचुएशन ऐसा बन गया है कि मुझे ये सारे चीज करना पड़ रहा है, सो आई हैव बिकमिंग अ सिंपल मैन, आई एम बिकमिंग अ सिंपल मैन, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। ठीक है, ही वुड नॉट हैव थॉट दिस पर्सनैलिटी ऑफ हिम व्हेन ही वाज यंग। यस, वो ये कह रहे हैं कि जब मैं यंग था, जब मैं एक चाइल्ड था, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि आफ्टर ग्रोइंग अप आई विल बिकम सच अ बैड मैन और सच अ सिंपल मैन, मुझे ये सारे चीज भी सीखना होगा, ये मैंने शायद कभी सोचा भी नहीं था। सो चाइल्डहुड पीरियड वॉज मच बेटर, एक्चुअली ही इज टॉकिंग अबाउट दैट इज वाई द टाइटल इज टॉकिंग अबाउट द रिट्रीट। इन द कंक्लूजन ही एक्सप्लेन्स दैट इनएविटेबल ट्रूथ दैट एवरीबॉडी विल गो टू द डस्ट ऑफ द अर्थ आफ्टर डेथ। तो डेथ सबके लाइफ में आते हैं
अल्टीमेटली हम सबका लाइफ वो मिट्टी के धूल बन जाते हैं, जो इनएविटेबल ट्रूथ है. ही इज टॉकिंग अबाउट दैट. एंड दिस विल बी द पेनल्टीमेट एंडिंग फॉर अ मैन हु लॉन्ग्स फॉर हिज प्रीवियस लाइफ. हम तो कोशिश करते हैं पिछले लाइफ में वापस जाने का, बट ये पॉसिबल नहीं है, हमको आगे ही जाना पड़ता है. काइंड ऑफ पेनल्टी, वो कह रहे हैं कि ये एक टाइप ऑफ आपका पनिशमेंट है पेनल्टीमेट एंडिंग, कि आप जितने बार अपने पास्ट डेज में वापस जाना चाहोगे उतना ही एक पग आगे आप अपने डेथ की तरफ जाओगे. ठीक है, सो वी ऑल आर फीलिंग नॉस्टैल्जिक अबाउट आवर चाइल्डहुड डेज, अबाउट आवर यंग एज, बट जब भी हम उसके बारे में सोचते हैं तब भी एक दूसरे बात भी आ जाते हैं कि नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू गो बैक टू दैट पीरियड, नाउ वी ओनली हैव टू गो फॉरवर्ड. सो लाइफ कभी पीछे नहीं जाता, लाइफ का जो साइकिल है वो आगे ही आपको ले जाते हैं. एंड आगे आप जितने जाते हो, जितना आप स्टेप्स आगे बढ़ाते हो, तो आप डेथ की तरफ आगे जाते हो. ठीक है, सो दिस इज द पेनल्टीमेट एंडिंग फॉर अ मैन. इट्स अ काइंड ऑफ पेनल्टी. जितने बार आप प्रीवियस लाइफ में जाने की कोशिश करोगे, जितने बार आप अपने पास्ट लाइफ को रिवाइव करने की कोशिश करोगे, उतना ही जल्दी आपको लगेगा कि टाइम इज वेरी शॉर्ट एंड आई एम मूविंग टूवर्ड्स डेथ. सो वेरी ब्यूटिफुली ही हैज एक्सप्लेन्ड ऑल द इमोशंस. This will be the penultimate ending for a man who longs for his previous life. Yes, everyone should try to become a good, complete person. हाँ, ये तो हम सब try करते हैं perfect person बनना, but ये बहुत एक difficult काम होता है. ठीक है, तो completely negative emotions से दूर रहना ये बहुत ही tough situation है. जैसे देखो, good and evil life में होता ही है. Similarly, हम सबके अंदर कुछ अच्छे क्वालिटीज है, कुछ बुरे क्वालिटीज है. तो परफेक्ट बनने का ये मतलब है कि आप अपने अंदर जो नेगेटिव क्वालिटीज है उसको कम करो एंड पॉजिटिव क्वालिटीज को आगे ले जाओ, उसको और डेवलप करो, ताकि जो भी आपके नेगेटिव इमोशन है वो उतना ज्यादा बाहर ना आए, आपके ज्यादा बाहर आए आपके पॉजिटिव इमोशन. सो यही बैलेंस करना है हम सबको. ठीक है, सो दिस इज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पोएम. हेनरी वॉन इज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग. वेरी ब्यूटिफुल, वेरी फिलोसॉफिकल थॉट, एंड आप अपने लाइफ से रिलेट करके भी देख सकते हैं. ओके, तो ये था अबाउट हेनरी वॉन. तो बस उसके बाद एक और पोएम है, दैट इज द वर्ल्ड. दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, पब्लिश्ड इन 1650. तो वर्ल्ड में क्या है, यहाँ पर ओपनिंग लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये एक बार PYQ में आया था. आई सॉ द इटर्निटी द अदर नाइट. इटर्निटी का ई यहाँ पर कैपिटल होगा. सॉ द इटर्निटी द अदर नाइट, दैट इज द ओपनिंग लाइन ऑफ दिस पोएम. दिस इज इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पर देखो, द पोएट इज विजुअलाइजिंग, और द पोएट हैज अ विजन ऑफ इटर्निटी. इटर्निटी को वो देख रहा है. इटर्निटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग, राइट, इमोर्टलिटी. तो इमोर्टलिटी को वो देख रहा है, उसका मतलब एक विजन वो देख रहा है. तो वो विजन क्या है, ही हैज डिस्क्राइब्ड इटर्निटी. इट इज लाइक एन एंडलेस ब्राइट रिंग ऑफ लाइट, वेरी इल्यूमिनेटिंग ब्राइट रिंग ऑफ लाइट, जिस रिंग का कोई एंड नहीं है. ठीक है, इटर्निटी इज ऑल्सो अ टाइमलेस थिंग, राइट. तो उस रिंग जो घूम रहे हैं उसका कोई मतलब मोशन का कोई एंडिंग नहीं है, वो कंटिन्यूअसली रोटेट कर रहे हैं, एंड इट हैज अ वेरी ब्राइट लाइट, विच मीन्स इटर्निटी इज नॉट अ काइंड ऑफ नेगेटिव थिंग, इट्स अ काइंड ऑफ पॉजिटिव थिंग. तो ये जो लाइट बाहर निकल रहे, दैट इज द डिवाइन पॉजिटिविटी. इटर्निटी इज ऑलवेज ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन, व्हाइल द सिंस ऑफ मैनकाइंड आर ऑन द अदर. यस, तो ये हम अक्सर कहते हैं कि जो बहुत पाप करता है जिंदगी में, वो इटर्निटी इटर्नल लाइफ नहीं पाते हैं. ठीक है, उसको हेल में जाना पड़ता है, राइट. ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है. एंड जो बहुत ही वर्चुअस पर्सन है वो डेथ के बाद इटर्नल लाइफ लीड कर सकते हैं, विच मीन्स कि वो गॉड के पास, गॉड के साथ रह सकते हैं. सो दैट इज द काइंड ऑफ इटर्नल लाइफ, इटर्नल ब्लिस हम जिसको कहते हैं. तो वही बात पोएट कर रहे हैं कि इटर्निटी ऑलवेज ऑन वन साइड. अगर दोनों चीज को हम मतलब किसी वजन की इस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में आप रखो, तो एक साइड का जो पोर्शन है वहां पर होगा सिंह एक पाला, और दूसरे पाला में होगा इटर्निटी. तो ये जितना भारी होगा इटर्निटी, उतना ही आपसे दूर चले जाएंगे. सो दैट काइंड ऑफ इक्वेशन है. दे वैरी कॉम्प्लेक्सिटी एंड मलिशियसनेस. यस, ये दोनों दिस काइंड ऑफ थिंग है. द पोएम टॉक्स अबाउट दोज पर्सन हु पाइंट फॉर मटीरियल हेल्थ एंड फॉरगेट्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी, जो गलती हेनरी वॉन ने खुद किया था.
है, उनको भी ये लगता था कि आई एम पाइनिंग फॉर सो मच ऑफ मेटीरियल गेन एंड आई हैव फॉरगॉट माई स्पिरिचुअल अवेयरनेस। तो ये पोएम उसी पर्सन को कह रहे हैं कि जिसके पास मेटीरियल प्लेजर बहुत ज्यादा है, मेटीरियलिस्टिक गेन करने के लिए वो कुछ बुरे रास्ते पर भी चलते हैं, लेकिन उसके पास स्पिरिचुअलिटी का कोई अवेयरनेस नहीं है। एंड इन द लास्ट लाइन सी अटेम्प्ट्स टू पर्सुएड द रीडर टू फॉरगेट अबाउट द प्लेजर्स दैट कैन बी गेन्ड ऑन अर्थ एंड फोकस ऑन मेकिंग इट इनटू हेवन। तो हमको स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ध्यान देना है, ना कि द नॉर्मल लाइफ। ठीक है, तो ये बेसिकली पोएम है द वर्ल्ड। ओके, तो बस इतना ही था हेनरी फॉन के बारे में। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, इम्पोर्टेंट पार्ट, कि टुमारो कोई क्लास नहीं होगा। तो टुमारो फ्राइडे है, लेकिन मैं ग्रुप में भी मैसेज कर दूंगी। मुझे एक मैसेज आया है, मैं जो वाईफाई कनेक्शन यूज करती हूँ अलायंस ब्रॉडबैंड का, तो वो टीम ने मुझे एक मैसेज किया है कि इंटरनेट साइट का कुछ मेंटेनेंस चलेगा, इसलिए कल पूरे दिन इंटरनेट कनेक्शन डिसरप्ट हो सकता है, कभी कभी कट भी हो सकता है। ठीक है, सो इसलिए मैं कल कोई क्लास नहीं रख रही हूँ, बिकॉज कल लाइव स्ट्रीमिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, आप सुन नहीं पाओगे। ओके, सो कल इसलिए मैं क्लास को कैंसिल कर रही हूँ। हम डायरेक्टली मीट करेंगे मंडे, तो क्या टॉपिक होगा मैं बता दूंगी मंडे सुबह 7:30। ओके, तो यस, आज का क्लास इतना ही था। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट क्लासेस। एंड ऑल्सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सो दैट मेनी मोर न्यू लर्नर्स कैन ज्वाइन। दीज आर द टाइमिंग्स ऑफ द क्लासेस। सो मंडे टू फ्राइडे आपके लिए क्लासेस मिल रही है, सैटरडे संडे ऑफ, सो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन मी लाइव। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। आई होप क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल लग रही होगी, एंड जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सो थैंक यू ऑल, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, सी यू ऑल मंडे एट 7:30 AM। ओके, बाय बाय।